नमस्कार दोस्तों, जीएस अभियान की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और एक हम यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहे हैं। ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ये पूरा फोकस होगा सीजीपीएससी को लेकर के। तो आज हम पूरे सीजीपीएससी के बारे में समझने जा रहे हैं। आज हमारा जो क्लास का बेस होगा वो इंट्रोडक्शन बेस है, अपन पीएससी को समझेंगे। तो वे सारे विद्यार्थी जो अभी हाल ही में जिन्होंने ट्वेल्थ पास किया है, या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या जिन्होंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली है, या जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, ये सारे इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। जितने भी विद्यार्थी छत्तीसगढ़ पीएससी को पास करना चाहते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, नायब तहसीलदार बनना चाहते हैं, तो इन सारे पदों को, जो सरकारी नौकरी को पाना चाहते हैं, उनके लिए हम एक ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ पीएससी को सबसे पहले हम समझते हैं। सीजीपीएससी की जो परीक्षा होती है ये तीन चरणों में होती है। इसका पहला चरण है, दूसरा चरण है और एक तीसरा चरण होता है। पहले चरण को हम प्रारंभिक परीक्षा के नाम से जानते हैं, प्रीलिम्स के नाम से, इसको हम प्रीलिम्स कहते हैं। दूसरा चरण होता है जो छत्तीसगढ़ पीएससी का, इसको हम मेंस या मुख्य परीक्षा बोलते हैं। और जो तीसरा चरण होता है इस परीक्षा का, वो है इंटरव्यू। तो आज हम पहले चरण को समझेंगे और इसी के अनुसार हम अपने क्लासेस की शुरुआत करेंगे। तो छत्तीसगढ़ पीएससी का जो पहला चरण है प्रारंभिक परीक्षा, इस प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर होते हैं। एक आपका पेपर वन है और दूसरा पेपर टू है। ये जो पेपर वन है और पेपर टू है, इन दोनों पेपर में 100-100 प्रश्न आते हैं। 100 प्रश्न पेपर वन के आते हैं, 100 प्रश्न पेपर टू के आते हैं। इन प्रश्नों की प्रकृति जो होती है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपको दिया जाएगा, उसके चार ऑप्शन होंगे, आपको एक सही आंसर पर टिक लगाना होता है, वो आपको चुनना है सही आंसर। तो पेपर वन जो है, इस पेपर को हम बोलते हैं जीएस का पेपर, जीएस जनरल स्टडीज़ का पेपर बोलते हैं। और पेपर टू जो है, इसको हम सी सेट बोलते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है। 2017 में प्रारंभिक परीक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और ये जो पेपर टू है सी सेट, अभी ये क्वालिफाइंग नेचर का है। अब अर्थात पेपर टू को आपको केवल पास करना है। अगर आप यूआर से आते हैं तो आपको 33% चाहिए होता है इसमें। अगर आप कास्ट से आते हैं तो 23% चाहिए होता है। तो यहाँ पे केवल आपको पास करना है। तो पेपर टू जो सी सेट है, इसको आपको क्वालिफाई करना है। और पूरा फोकस जो है अब हमारा पेपर वन में आ जाता है, ठीक है। तो पेपर वन को समझने से पहले अपन पेपर टू को समझ लेते हैं। पेपर टू जो है, इसके जो 100 प्रश्न हैं, इन 100 प्रश्नों में मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें जनरली जनरल मेंटल एबिलिटी का है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपका रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के कुछ प्रश्न आते हैं, छत्तीसगढ़ी से कुछ प्रश्न आते हैं। इसके अलावा और भी इसमें 8 पॉइंट्स हैं, उसमें से आपका कम्युनिकेशन स्किल है, डिसीजन मेकिंग है, इन सारे पॉइंट से भी प्रश्न आते हैं। तो चूंकि अब ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, तो हमारा जो फोकस है अब यहाँ पे जीएस के पेपर में आ जाता है। तो ये जो जनरल स्टडीज़ के 100 प्रश्न हैं, इन 100 प्रश्नों को भी छत्तीसगढ़ पीएससी ने दो भागों में बांट दिया है। इन 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न आते हैं कंप्लीट छत्तीसगढ़ से, और 50 प्रश्न आते हैं इंडिया से, भारत के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे छत्तीसगढ़ पीएससी का सिलेबस क्या है, तो एक शब्दों में मैं कहूँगा कि आपको छत्तीसगढ़ को जानना है और दूसरा भारत को जानना है। मतलब नोविंग अवर छत्तीसगढ़ और नोविंग अवर इंडिया, यही हमारे छत्तीसगढ़ पीएससी का सिलेबस हमारे सामने आता है। तो अब अगला प्रश्न उठता है कि आप भारत को कैसे जानेंगे। तो भारत को जानने के लिए या छत्तीसगढ़ को जानने के लिए इसमें बहुत सारे विषय हैं जो हमको पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका इंडिया है, इसमें आपको पढ़ना होता है भारत का इतिहास और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। तो आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं। इसके अलावा आप भारत का भूगोल पढ़ते हैं, ज्योग्राफी हमको पढ़ना होता है, इंडियन ज्योग्राफी। भूगोल के बाद हम भारत का संविधान पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इंडियन पॉलिटी हम पढ़ते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो ये चार मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा बेसिक साइंस होता है, जिसमें हमको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना होता है। इन 5 पॉइंटों के अलावा आपको करेंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट,
कला संस्कृति दर्शन आदि को भी यहाँ पे शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इतिहास पढ़ना है आपको, भूगोल पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़नी है, साइंस पढ़ना है, कला एवं संस्कृति पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है, करेंट अफेयर्स, इन सारों को भारत में पढ़ना है। और लगभग इसी के रिगार्डिंग छत्तीसगढ़ की भी सिलेबस यहाँ पे दर्शाया गया है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक तरफ आपको भारत का इतिहास पढ़ना है, दूसरी तरफ आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना है, अर्थात छत्तीसगढ़ का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भूमिका, इसको हमको यहाँ पे पढ़ना होता है। इसके अलावा इधर पे हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं, यहाँ पे हमको छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ना होता है। यहाँ पे हम भारत का संविधान पढ़ते हैं, यहाँ पे आप छत्तीसगढ़ का संविधान अलग से तो पढ़ नहीं सकते, तो यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना पढ़नी होती है। छत्तीसगढ़ में स्थानीय शासन आदि के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। इसके रिगार्डिंग अगर अपन देखें इसको, तो यहाँ पे भारत का संविधान पढ़ना है और आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना पढ़नी है। आप यहाँ पे भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। यहाँ पे आप साइंस पढ़ते हैं तो यहाँ पे साइंस तो होगा नहीं, साइंस एक ही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति पढ़नी है, छत्तीसगढ़ में करेंट अफेयर्स पढ़ना है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, फिर ये जो प्रारंभिक परीक्षा है, जब इसको आप पास करते हो, इसमें सेलेक्ट होते हो, तो अगली परीक्षा जो आपको देनी होती है वो मेंस है। और जब आप मेंस पास करते हैं और मेंस के बाद आप फिर आपको इंटरव्यू दिलाना है, और इंटरव्यू के बाद जो आपका लक्ष्य होता है जॉब, डिप्टी कलेक्टर, DSP, नायब तहसीलदार आदि पदों पर आपका चयन होता है। तो यहाँ पर हमने प्रारंभिक परीक्षा को समझ लिया आपको कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, पेपर टू जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, यहाँ पर आपको केवल पास होना है, पूरा फोकस हमारा पेपर वन पर आ जाता है। अगर आप पेपर वन पास करते हैं, प्रीलिम्स को पास करते हैं और मेंस लिखते हैं, तो मेंस की जो परीक्षा होती है ये रिटर्न पैटर्न में होती है। यहाँ पे आपको लिखित परीक्षा देनी है। इस मेंस में 7 पेपर होते हैं और हर पेपर जो होता है वो 200-200 नंबर का होता है, तो कुल 1400 नंबर की ये परीक्षा होती है। जब आप इसको पास करते हैं तब आपको अगला चरण इंटरव्यू साक्षात्कार देना होता है, और उसके बाद फिर आपकी फाइनली जॉब लगती है। तो ये हमारा सिलेबस है, इसको ही हम कवर करेंगे। हम लगभग पूरा इतिहास, भूगोल, संविधान, इकोनॉमिक्स, छत्तीसगढ़ की सारी चीज़ों को कवर करेंगे, और हम टारगेट करेंगे कि 2019 की जो छत्तीसगढ़ PSC की प्रारंभिक परीक्षा है, इसको हम पूरा कवर करें और आपको अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि आप इस परीक्षा को पास कर पाएँ। ये हमारे क्लास का लक्ष्य होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझनी है कि ये जो आपका इंटायर सिलेबस है जिसमें आपको भारत और छत्तीसगढ़ को पढ़ना है, तो यहाँ पे मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत तौर पर जो मेरा अनुभव है वो ये दर्शाता है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ का सिलेबस है वो ये सिलेबस है बहुत ब्रॉड है। आपको सिलेबस में से कुछ भाग को निकालना है और इतनी भागों को ही पढ़ना है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे जीवन में दो तरीके के मित्र होते हैं हमारे जीवन में, एक जिनको हम कैजुअल फ्रेंड्स बोलते हैं, एक जो होता है हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। तो सामान्य तौर पर हम क्या करते हैं अपने जीवन में, जो हमारे कैजुअल फ्रेंड्स होते हैं उनको हम हाय हेलो ही करते हैं, मतलब उनको जीवन का हम बहुत कम समय देते हैं, कभी कभी मिलना, ओकेशनली फ़ोन कर लेना, बर्थडे विशेस करना। लेकिन जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ज़्यादातर समय देते हैं अपने जीवन का, रोज़ उनसे मिलना होता है। ठीक है, अधिकांश हम मिलते हैं, घूमने जाते हैं, साथ साथ में समय बिताते हैं। उसी तरीके से आपको इसको समझना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि पूरा ये इंडिया है और छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो है आपका ये बेस्ट फ्रेंड है। इस सिलेबस को आपको अधिकांश समय देना है अपनी तैयारी के दौरान, जो सबसे ज़्यादा समय देंगे आप वो इस बेस्ट फ्रेंड को देंगे। बाकी ये जो बाहर का सिलेबस है, ये जो इस परिधि के बाहर जा रहा है, इसको आपको कैजुअल फ्रेंड बनाना है। मतलब आपको ये तय करना है कि आपको किसको कम समय देना और किसको अधिक समय देना है। जब आप इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हो तो आपकी तैयारी काफ़ी आसान हो जाती है। अब एक सवाल ये उठता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, कैजुअल फ्रेंड कौन है। तो ये समझने के लिए पहली चीज़ है कि आपका जो सिलेबस है या जो पाठ्यक्रम है वो आपके उंगलियों पे होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इतिहास बस नहीं,
आपको ये पता होना चाहिए कि इतिहास में हमको क्या क्या पढ़ना है, इतिहास का क्लासिफिकेशन आपके पास हो, भूगोल का क्लासिफिकेशन हो, संविधान का आप क्लासिफिकेशन कर पाओ कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, जब इन चीज़ों को आप अच्छे से जानते हो। दूसरा कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हो तो 2012 से लेकर के 2018 तक का पेपर जब आप स्टडी करते हो और जब आप एनालिसिस करते हो कि कहाँ कहाँ से प्रश्न उठा रहा है, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आ रहा है, कहाँ से कम प्रश्न आ रहा है, जब इन सारी चीज़ों को आप देखते हैं तब आपको समझ में आ जाता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या जो है जिसको कम समय देना है। अगर आप ऐसी तैयारी करते हैं तो बहुत आसान आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, प्रीलिम्स निकालने के बाद आप मेंस की परीक्षा को आसानी से दे सकते हैं, इंटरव्यू पास करके आप जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की एक और परीक्षा है जिसको हम व्यापम के नाम से जानते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो व्यापम है इसका फुल फॉर्म है व्यावसायिक परीक्षा मंडल। इसकी जो परीक्षा है, ज़्यादातर एग्ज़ाम जो होता है इसका रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, ये वन डे एग्ज़ाम होता है, मतलब एक परीक्षा होती है और सीधे इसमें आपकी जॉब लग जाती। तो यहाँ पे व्यापम की जो परीक्षा है, इस परीक्षा में किसी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, व्यापम की किन्हीं परीक्षाओं में 200 प्रश्न भी आते हैं। और ये जो सारे प्रश्न हैं ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न के होते हैं, लगभग इसका सिलेबस वही है जो छत्तीसगढ़ पीएससी प्री का सिलेबस है, बस यहाँ पे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे प्री में हमने देखा कि 50 प्रश्न केवल छत्तीसगढ़ से पूछे जाएंगे, जबकि यहाँ पे क्या होता है, व्यापम में किसी परीक्षा में 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अभी सीएमओ का एग्ज़ाम हुआ हाल ही में, वहाँ पे 75 प्रश्न पूछे गए छत्तीसगढ़ से। तो अलग अलग परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा होता है वो अलग अलग होता है, तो इसको ध्यान में रखकर हम तैयारी करते हैं। इसके अलावा व्यापम की परीक्षा में जो चीज़ें और जुड़ती हैं, इसमें एक चीज़ जुड़ जाता है वो आपको इंग्लिश पढ़ना होता है, कंप्यूटर पढ़ना होता है, जो कि हम टेक्नोलॉजी में वहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान में रखकर पढ़ना होता है। इंग्लिश हम पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अधिनियम जो अलग अलग परीक्षाओं के सिलेबस में होते हैं उनको आपको अलग से पढ़ना होता है। तो व्यापम और प्री का सिलेबस अगर देखा जाए तो लगभग हम एक समान मान सकते हैं कि दोनों का सिलेबस जो है लगभग समान है। तो आज का जो हमारा उद्देश्य था इस क्लास का, लगभग वो पूरा होता है। एक बात और हम बता दें आपको कि जब हम जीएस अभियान की क्लास शुरू करेंगे तो हमारा जो उद्देश्य होगा वो एक हफ्ते में लगभग हम 3 से 4 वीडियो डालेंगे और धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को कवर करते चले जाएंगे। पहले हम भूगोल से विषय का शुरुआत करेंगे, भूगोल की कक्षाएं हम शुरू करेंगे, भूगोल के बाद हम इतिहास करेंगे, और जब भूगोल और इतिहास हम कर लेंगे उसके बाद हम धीरे से छत्तीसगढ़ में आएंगे, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास हम पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन मैथ्स रीजनिंग की भी क्लास शुरू करेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम आपको कोशिश करेंगे कि 2019 की जो परीक्षा है वो आप आसानी से क्लियर कर लो। इसके साथ ही एक चीज़ और समझिए कि हमारी जो क्लास होगी वो एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम जाएंगे, द वेरी इसेंशियल लेवल, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे, और हम एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे उस विषय में। तो ये मैं जो भी हम भूगोल की क्लास शुरू करेंगे या संविधान पढ़ाएंगे तो आप ये मत सोचिए कि छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रश्न ही आपसे होंगे। ओवरऑल जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं उन सब परीक्षाओं में इनका एक आपको योगदान मिलेगा। आप भूगोल को जब अच्छे समझेंगे तो चाहे वो छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा हो, यूपीएससी की परीक्षा हो, एमपीपीएससी की परीक्षा हो, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं प्रतियोगी परीक्षाएं, हर परीक्षा में ये आपका काम आएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा लक्ष्य था वो पूरा होता है। एक बार फिर से आपका जीएस अभियान की ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप इसी तरह हमें लाइक और कमेंट करते रहें ताकि हम और अच्छे से इसमें